आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अयोध्या मामले की सुनवाई सिर्फ 18 अक्टूबर तक, नवंबर में आएगा फैसला। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन, 2023 से चलेगी मेट्रो रेल। शिवपुरी में दलित बच्चों की लाठी से पीट पीट कर हत्या, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। रतलाम में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप, गैंगरेप के बाद पीड़ित बच्ची को ब्लैकमेल कर रहे थे आरोपी। और दमोह से सामने आई एक सुकून देने वाली तस्वीर, बदलती दिख रही है पुलिस की कार्यप्रणाली। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में जारी अयोध्या जमीन विवाद मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मामले में सुनवाई के लिए सिर्फ 18 अक्टूबर तक का समय है और इसके बाद किसी भी पक्ष को एक भी दिन का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अयोध्या मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने दोनों पक्षों को साफ कहा कि आज का दिन मिलकर हमारे पास सुनवाई पूरी करने के लिए 18 अक्टूबर तक का समय है। अगर तब तक सुनवाई पूरी नहीं होती है तो इस मामले में फैसला आने की उम्मीद कम हो जाएगी। फिलहाल कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा है और राम चबूतरे को लेकर उसने पहले कहीं अपनी बात से अलग दावा किया है। इससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय दोनों पक्षों को जिरह के लिए समय दे चुका है और कोर्ट ने कहा था कि अगर 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी होती है तो अगले 4 हफ्ते में बेंच अपना फैसला सुना सकती है। बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। 2022 तक मेट्रो का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और 2023 तक भोपाल में मेट्रो ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भोपाल मेट्रो रेल का नाम भोज मेट्रो होगा। इस परियोजना के शिलान्यास के अवसर पर मुझे बहुत खुशी हुई, आज मध्य प्रदेश का एक इतिहास बनने जा रहा है। भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के एक विधायक के विरोध के बावजूद भोपाल मेट्रो रेल का नाम भोज मेट्रो रेल किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कालांतर में मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री था, तब यहाँ की लेक के रखरखाव के लिए रुपए आवंटित किए थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए मुझे यह अनुभव हुआ कि जब मेट्रो रेल जयपुर में दिल्ली में चल सकती है तो फिर भोपाल में क्यों नहीं आ सकती है। उन्होंने भोपाल के मेयर आलोक शर्मा से अपील की कि आप यहाँ के लोगों की मदद कर दिल्ली जाएं और केंद्र सरकार से मदद की अपील करें। फैलाया जाएगा, केवल स्मार्ट सिटी नहीं रहेगा, भोपाल एक एक्सेलेंट सिटी रहेगा। मेट्रो रेल की परियोजना में पहले चरण में 27 किलोमीटर की रूट तय की गई है, जिसमें 2 किलोमीटर का कॉरिडोर निर्मित होगा। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में करीब 7000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भोपाल की मेट्रो रेल जयपुर जैसी ही होगी। इस मौके पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भी भोपाल के विकास को लेकर अपनी बात कही। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, भोपाल के विकास में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और बाबूलाल गौर का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मैं आभारी हूं माननीय कमलनाथ जी का, जिन्होंने भोपाल की वो योजना जो कई वर्षों से विचाराधीन थी, जिसे हमने हमारे भोपाल विजन डॉक्यूमेंट में भी डाला था, लाइट बढ़ा लो, उसका आपने आज शिलान्यास किया है, आपको हार्दिक बधाई। भोपाल शहर का कोई कार्यक्रम हो तो हम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को नहीं भूल सकते।
मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर अब सियासत के साथ ही बयानों का दौर शुरू हो गया है। मेट्रो का श्रेय लेने बीजेपी और कांग्रेस में होड़ मची हुई है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने मेट्रो को लेकर बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर के बाद यह भोपाल को सौगात दी है, इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है। शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कब तक झूठ बोलेंगे। मेट्रो प्रोजेक्ट का श्रेय लेने अब बयानों का दौर शुरू हो गया है। कमलनाथ सरकार के जनसंपर्क मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा महासचिव पर निशाना साधते हुए उन्हें झूठा करार दिया है। पीसी शर्मा ने कहा कि ये कब तक झूठ बोलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने कमलनाथ से मेट्रो के लिए पैसे ना होने की बात की थी और कमलनाथ ने मेट्रो के लिए पैसे दिए थे। यह तो अभी शुरुआत है, यह प्रोजेक्ट अगले विधानसभा तक पूरा हो जाएगा। कमलनाथ ने इंदौर के बाद भोपाल को यह सौगात दी है। गौरतलब है कि भोपाल में मेट्रो रेल वर्ष 2023 तक चलाई जाना है। अगले विधानसभा चुनाव के पहले मेट्रो भोपाल में रन करेगी और लोग यहां से वहां उसमें भ्रमण करेंगे। हनी ट्रैप मामले को एसआईटी प्रमुख संजीव शमी ने गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि बड़े अधिकारी कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो यह गंभीर मामला है। वहीं इस मामले की एफआईआर सीआईडी को शिफ्ट करने से इसकी जांच पर सवालिया निशान लगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सीआईडी में अधिकांश मामलों में सबूतों के अभाव पे आरोपियों को क्लीन चिट दे दी जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि सरकार को जिस केस को धीरे धीरे खत्म करना हो ऐसे मामलों को सीआईडी के ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हनी ट्रैप मामले में जिस गति से जांच शुरू हुई थी उसी गति से उतनी ही धीमी हो गई है और ऐसा लग रहा है कमलनाथ सरकार भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। हनी ट्रैप पर विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग से बचने के लिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसे एसआईटी के हवाले किया और बुधवार रात को सीआईडी ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। अभी पलासिया थाने में शून्य पर कायमी की गई है, अब एफआईआर सीआईडी में शिफ्ट हो गई है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि जिस मामले को देर सवेर खात्मा लगाना हो उसको सरकार सीआईडी के सुपुर्द कर देती है। हनी ट्रैप पर गठित नई एसआईटी के प्रमुख संजीव शमी ने इंदौर में टीम के सदस्यों को गोपनीय स्थान पर बुलाया और इस मामले की जानकारी ली। संजीव शमी ने कहा, इस केस में गंभीरता बहुत ज्यादा है, अगर बड़े अधिकारी कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो इसी को ध्यान में रखकर वरिष्ठ अधिकारियों को साथ लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। बड़े नाम और लोगों के शामिल होने के सवाल के जवाब में कहा कि जो भी अपराध में लिप्त होंगे उन सब के नाम सामने आएंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है बिकॉज इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है केस की और इसके रेमिफिकेशंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाई ऑफिसर्स अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो उसी को मद्देनज़र एक सीनियर ऑफिसर्स के साथ में बैठ करके एसआईटी बनाए। कुछ लोगों के नाम आएंगे जैसे सवाल पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल जो जिसका अपराध पाया जाएगा उसके नाम बिल्कुल आएंगे। किसको कहाँ ले जाया जाएगा, और कोई नाम आए हैं क्या, और कुछ इनसे पता लगा है क्या, वो सब अभी इंट्रोगेशन का पार्ट। उधर एसआईटी ने आम नागरिकों से मदद मांगकर अपील की है कि अगर उनके पास इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी है तो वे ईमेल पर भेज सकते हैं। एडीजी काउंटर इंटेलिजेंस और एसआईटी प्रमुख संजीव शम्बी ने बताया कि जांच में साक्ष्य जुटाने के लिए लोगों से उनके पास उपलब्ध सूचनाओं को लेने के लिए एक ईमेल आईडी info.sit@mppolice.gov.in और mail to info.sit@mppolice.gov.in बनाई गई है। शमी ने सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी को गोपनीय रखने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास वीडियो तस्वीर या सरकारी दस्तावेज हो वे मेल कर सकते हैं जिससे जांच में सहयोग होगा। शिवपुरी में दो दलित बच्चों की लाठी से पीटकर हत्या के मामले में कानून और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि यह हृदय विदारक घटना है, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उधर पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले में पूरी कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब से कमलनाथ सरकार बनी है सरकार तबादले में व्यस्त है और प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। आए दिन बच्चों की हत्या हो रही है और अपहरण किए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले के सिरसौत थाना क्षेत्र के ग्राम भावखेड़ी में दो दबंग भाइयों ने सड़क किनारे शौच करने पर दो मासूमों की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जब से कमलनाथ सरकार बनी है प्रदेश में कानून का डर खत्म हो गया है। आए दिन बच्चों की हत्या और अपहरण की घटनाएं बढ़ रही है, चाहे वे चित्रकूट का मामला हो या उनके शहर का। नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार तबादले और पोस्टिंग में व्यस्त है।
जब तबादला होगा तो रिचार्ज की भी जरूरत होगी, इसीलिए सब रिचार्ज में व्यस्त हैं और इधर कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। जिस दिन से सरकार बनी है कानून का भय लगभग समाप्त हो गया है। देखिए, इसकी शुरुआत 17 के दो मासूम बच्चों के अपहरण और मेरे विधानसभा में उठाने के बाद भी उस पर ध्यान न देना और दो बच्चों की लाश मिलना से इस शुपरी की घटना तक है। जब ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा चलेगा तो रिचार्ज पर ज्यादा चिंता होगी कि रिचार्ज कराया जाए, और इसलिए जो रखवाले हैं उनका ध्यान रिचार्जिंग पर रहता है। हत्या करके भाग रहे दोनों हत्यारों हाकिम यादव और रामेश्वर यादव को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गांव पहुंचे वाल्मीकि समाज के नेताओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर आरोप लगाया कि दोनों बच्चों के शव तौलिया में लिपटे हुए हैं, उन्हें कफन तक प्रशासन व पुलिस उपलब्ध नहीं करा सकी। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां भी नहीं है। समाज के लोगों ने चंदा कर कफन और दफन का इंतजाम किया है। घटना के बाद गांव में तनाव है, मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है। कानून और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बच्चों की हत्या को हृदय विदारक घटना बताया और कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाएगी। निश्चित तौर पर बहुत ही हृदय विदारक घटना है और एक घृणा कृत्य है। इसकी निंदा आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने की है। उन्होंने कहा है कि कठोर से कठोर सजा दोषियों को दी जाएगी, पकड़ लिए गए हैं। खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने शिवराज सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा उससे ज्यादा शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को लूट लिया है। उन्होंने कहा कि अभी तो पिछले 15 सालों के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ेगी वैसे ही 15 साल के और भी दुष्परिणाम सामने आएंगे। सीहोर में कमलनाथ सरकार के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने शिवराज सिंह पर हमला करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा इससे ज्यादा शिवराज सरकार ने प्रदेश को लूटा है। पहले नीति नाम की कोई चीज नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं ने मध्य प्रदेश को लूटा है। हाल ही में हुए हनी ट्रैप मामले को लेकर मंत्री जायसवाल ने कहा कि पिछले 15 सालों के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। अवैध खनन, हनी ट्रैप या पेंशन घोटाला, बहुत सारे घोटाले, जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ेगी वैसे वैसे 15 साल के और भी दुष्परिणाम सामने आएंगे। और पिछले 15 साल का जो रिएक्शन है दुष्परिणाम कम है, ये सब देखने में आ रहा है, चाहे अवैध उत्खनन हो, ये हनी ट्रैप है और पता नहीं कितने घोटाले, पेंशन घोटाला, बहुत सारे घोटाले हैं जो कि जैसे जैसे सरकार आगे चलेगी वैसे वैसे दुष्परिणाम पिछले 15 साल की सरकार के और भी सामने आएंगे। शिवराज सिंह चौहान के धरना प्रदर्शन को लेकर मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में शिवराज सरकार थी, पूरे देश में सबसे ज्यादा किसानों के आंदोलन, किसानों की आत्महत्याएं मध्य प्रदेश में देखने को मिली। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर में अपनी नाकामी को छुपाने के प्रयास कर रहे हैं। समय है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दंतेवाड़ा में एक शिक्षक की नाले में डूबने की खबर है। शिक्षक स्कूल से घर जा रहा था तभी रास्ते में पड़ने वाले मांडेर नाला में बने स्टाफ डैम को पार करते वक्त गिरने से वो लापता हो गया। पुलिस ने शिक्षक की तलाश शुरू कर दी है लेकिन 48 घंटे बाद भी उनका कोई पता नहीं चल सका है।
मुंडेर नाले में बहने वाले शिक्षक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गोताखोर दिन भर नाले में करीब 6 किलोमीटर तक तलाश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। मुंचार स्कूल से शाम को घर लौट रहे शिक्षक राजू राम कश्यप डैम में फिसल कर नाले में बह गए थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस बुधवार को गोताखोरों के साथ दिन भर खोजती रही, लेकिन ना तो शिक्षक मिल पाए और ना ही उनका शव मिला। नाले में करीब 3 किलोमीटर तक पानी बह रहा है और इधर सूचना मिलने पर थानेदार सावन कुमार सारथी गोताखोरों के साथ नाले में तलाश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। डैम बना हुआ है, जहां से वो पार कर रहे थे राजू राम कश्यप जी, तो वहीं पे उनका पैर फिसल के वो नीचे जो है नाला में गिर गए और पानी में डूब कर वो बह गए। शिक्षक राजू राम कश्यप की तलाश में स्थानीय लोगों के साथ गोताखोरों ने भी मुंडेर डैम में लेकर इंद्रावती नदी तक के मुहाने पर करीब 6 किलोमीटर तक खंगालने के बाद भी ग्रामीणों के हाथ निराशा ही लगी, लेकिन मुंचार प्राथमिक शाला के शिक्षक राजू राम कश्यप की चुनाव ड्यूटी कटे कल्याण ब्लॉक में थी। चुनाव सम्पन्न कराने के बाद वे मतदान सामग्री लेकर मंगलवार की सुबह सीधे मुशनार स्कूल पहुंचा। स्कूल में ज्वाइनिंग और बच्चों को पढ़ाने के बाद शाम को झारावाड़ा पर स्थित घर लौट रहा था, तभी उसके साथ ये हादसा हो गया। आमतौर पर पुलिस वालों की निकम्मा और घूसखोर माना जाता है। समाज में पुलिस की छवि नकारात्मक बनी हुई है, लेकिन उसी पुलिस महकमे में ऐसे भी लोग हैं जिनके कारण लोगों का पुलिस पर भरोसा कायम है। मध्य प्रदेश पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो पुलिस की इंसानियत भरी तस्वीर को समाज के सामने ला रहा है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, यकीन मानिएगा पुलिस की अलग ही छवि आपके सामने आएगी। अधिकांश पुलिस कर्मचारी और अधिकारी इतना बेहतर काम करते हैं कि उसका बखान करना मुश्किल है, लेकिन चंद घूसखोर पुलिस वाले पुलिस की साख पर बट्टा लगाने से बाज नहीं आते। ऐसे में ये तस्वीर सुकून देती है। दमोह जिले के मगरोन थाना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर श्रद्धा शुक्ला एक वृद्ध और असहाय महिला के साथ सेवा भाव से पेश आ रही है। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर श्रद्धा थाना परिसर में बुजुर्ग महिला को अपने हाथों से नए कपड़े और चप्पल पहना रही हैं। पुलिस अधिकारी के इस सेवा भाव से वृद्ध महिला की आंखें छलक आती हैं और वह महिला थानेदार से लिपट कर आशीर्वाद देती नजर आ रही है। यह तस्वीर नाउमीदी में एक उम्मीद की किरण की तरह है। विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो में दो विदेशी पर्यटकों के पास से बेशकीमती चंदेल कालीन मूर्ति बरामद की गई है। विदेशी पर्यटकों ने बताया कि उन्हें यह मूर्ति मंदिर के एक कर्मचारी ने बेची है। खजुराहो में ये मूर्ति उस समय बरामद हुई जब दोनों चाइनीज पर्यटक पश्चिम मंदिर समूह के अंदर प्रवेश कर रहे थे। तभी रूटीन चेकिंग के दौरान इनके पास से आधे फुट की चंदेल कालीन आदिनाथ भगवान की मूर्ति मिली। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने दोनों चाइनीज पर्यटकों को थाने लाकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह मूर्ति उन्होंने जैन मंदिर के एक कर्मचारी से खरीदी है। पुलिस ने मूर्ति को जब्त कर दोनों विदेशी पर्यटकों के लिखित बयान लेकर उन्हें छोड़ दिया है। मंदिरों के दर्शन मंदिरों में भ्रमण करने हेतु आए थे, तो SIS वाले कर्मचारियों ने देखा, वो एक मूर्ति थी उनके पास, उन्होंने रख ली, उसको अपने पास सुपुर्द की, लाकर विधिवत उसको जब्त कर और पुरातत्व विभाग को सुपुर्द कर दिया। सर, मूर्ति आई कहाँ से? ये उनका कहना कि हम वहाँ से भ्रमण में थे तो हमें रोड में मिली थी, जो उन्होंने अपने पास रखी थी। रतलाम में करीब 14.5 वर्षीय छात्रा को ब्लैकमेल कर उसके साथ दो नाबालिग छात्रों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। एक आरोपी नाबालिग छात्र के साथ उसी की कक्षा में पढ़ता है, जबकि दूसरा एक अन्य स्कूल में पढ़ता है। दो नाबालिग छात्रों ने एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप किया। आरोपियों की उम्र 14 से 15 वर्ष है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दोनों को पकड़ लिया है। मामला प्रकाश में आने के बाद लोगों में आक्रोश है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गर्ल्स कॉलेज के सामने चक्का जाम व नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। छात्रा ने रिपोर्ट की है कि वह उसकी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने एक माह पहले उसे अपने मोबाइल फोन में छात्रा को उसका फोटो दिखाकर डराया था कि उसकी बात नहीं मानी तो उसका फोटो वायरल कर देगा। 9 सितंबर को जब छात्रा के घर पर कोई नहीं था, तब दोनों आरोपी छात्रा के घर पहुंचे और उसके साथ गैंगरेप किया। छात्रा ने चिल्लाने की कोशिश की तो एक ने हाथ से उसका मुंह दबा दिया। इस दौरान इन लड़कों ने उसका
वीडियो बना लिया और किसी को कुछ बताने पर उसे वायरल करने की धमकी दी। 19 सितंबर को उसकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने फोन कर कहा कि शीघ्र आशीर्वाद होटल के रूम नंबर 108 में आ जा, नहीं तो तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा। डर के कारण वह स्टेशन रोड स्थित उक्त होटल पहुंची, वहां फिर उसके साथ गैंग रेप किया गया। इस घटना के बाद पीड़ित लड़की ने अपने घर पर इस सब की जानकारी दी और मामला पुलिस तक पहुंचा। नाबालिग बच्ची ने शिकायत की है कि उसके स्कूल के ही क्लासमेट ने उनके साथ रेप किया और उसके फोटो बना के उसे धमकी दे रहा था और अवैध पैसे की मांग कर रहा था। इस पे पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। ये यहाँ ये बताना चाहूँगा कि दोनों ही जो है वो बालापचारी हैं, आरोपी जो हैं, और पुलिस मामला पंजीबद्ध कर लिया है विभिन्न धाराओं में। पॉक्सो एक्ट की भी धाराएँ लगी हैं और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने दोनों बलात्कारी छात्रों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें पकड़ लिया है। एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि गत दिवस नाबालिग लड़की ने शिकायत की थी कि प्रकरण दर्ज कर दोनों नाबालिगों को पकड़ा है। मामले की विवेचना की जा रही है, इसके पीछे अन्य लोग भी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उधर स्कूल की प्रिंसिपल ने घटना की जानकारी मिलते ही आरोपी छात्र को स्कूल से बाहर करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अभी भी जारी अतिवृष्टि से गंभीर हादसे हो रहे हैं। ऐसे ही सीप नदी के रपटे पर एक हादसा हुआ है। इस रपटे को बाइक से पार कर रहे तीन ग्रामीण एकाएक तेज बहाव में फंस गए। इनमें से दो तो बाहर आ गए लेकिन तीसरा बाइक सवार गहरे पानी में डूब गया। नसरुल्लागंज स्थित रफीकगंज गांव के मुहाने पर बहने वाली सीप नदी इन दिनों उफान पर है। इस नदी पर बने रपटे पर पानी का तेज बहाव है। ऐसे में नसरुल्लागंज के रहने वाले तीन ग्रामीण अपनी बाइक पर सवार होकर इसे पार करने का प्रयास कर रहे थे, तभी इन ग्रामीणों की बाइक तेज बहाव में फंसकर बहने लगी। अचानक हुए इस हादसे में तीनों बाइक सवारों की जान सांसत में पड़ गई। गनीमत यह है कि इनमें से एक बाइक सवार जैसे तैसे तैरकर किनारे पे आ गया, जबकि दूसरे ने निर्माणाधीन पुल के पिलर को पकड़ के अपनी जान बचाई, जबकि तीसरा युवक लापता हो गया। ग्रामीण द्वारा काफी तलाश के बाद कुछ दूरी पर जाकर तीसरे युवक का शव बरामद हुआ। एमएमसी जोन के नक्सल लीडर दीपक उर्फ मिलिंद तेल तुमडे के बॉडीगार्ड मलाजखंड एरिया कमेटी के नक्सली राजेश तोप्पा उर्फ अजीत उर्फ लक्षू ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। करीब 10 साल नक्सलियों के साथ रहकर राजेश चार बड़ी घटनाओं में शामिल भी बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली राजेश पर 5,00,000 रुपए का इनाम रखा था। दुर्ग रेंज आईजी हिमांशु गुप्ता ने बताया, आत्मसमर्पित नक्सली राजेश तोप्पा ने नक्सल संगठन पर शोषण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नक्सली संगठन के नेता सदस्य के साथ मारपीट भी करते हैं, जिसके कारण उसने शासन की पुनर्वास नीति और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए समर्पण किया है। अढ़ाईकट्टा निवासी राजेश तोप्पा उर्फ अजीत मलाजखंड एरिया कमेटी का सदस्य था। आईजी हिमांशु गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 5,00,000 रुपए के अलावा केंद्र शासन के नक्सल उन्मूलन योजना के तहत 2,50,000 रुपए का इनाम आत्मसमर्पित नक्सली को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ और बालाघाट के बॉर्डर पर सक्रिय था, ये अपने दल को छोड़कर आया है और शासन पुनर्वास नीति और राजस्थान गांव पुलिस द्वारा माओवादी क्षेत्र में किए जा रहे अच्छे कामों से प्रभावित होकर इसने आत्मसमर्पण किया है। इसके पुनर्वास की राज्य शासन के जो भी नियम है उसके तहत पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। डीआईजी रतनलाल डांगी ने बताया कि सरेंडर नक्सली राजेश तोप्पा वर्ष 2009 से नक्सल संगठन से जुड़ा था। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सली राजेश वर्ष 2010 में थाना कोरची के फुलगोंडी जंगल डेरा में पुलिस पार्टी के साथ हुए मुठभेड़ में शामिल था। वहीं वर्ष 2017 में 6 अगस्त को गातापारा के भावे घोड़ापाठ पहाड़ी जंगल में हुए मुठभेड़ में भी यह शामिल था, जिससे उप निरीक्षक युगल किशोर वर्मा और आरक्षक कृष्णपाल साहू शहीद हुए थे। 2018 में 3 जुलाई को गंडई थाना के ग्राम डंडू टोला पहाड़ी जंगल में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में भी राजेश शामिल था। पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिवस मनाया। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत किए गए इस कार्यक्रम में 38 महापुरुषों के प्रतिमा स्थल के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का संकल्प लिया।
भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अचानक भाजपा के 50 कार्यकर्ता के पहुंचने से वहां मौजूद कांग्रेसी असहज हो गए। भाजपा के लोगों को देखकर कार्यालय की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने भी गेट पर मोर्चा संभाल लिया, साथ ही कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी जुटने लगे। दरअसल पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पीसीसी के मुख्य द्वार के सामने लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा की सफाई करने व माल्यार्पण करने पहुंचे। सफाई की शुरुआत भी इंदिरा गांधी अमर रहे के नारों के साथ हुई। भाजपा जिला अध्यक्ष विकास वीरानी ने बताया कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि भारत के सभी महापुरुषों को आज के दिन हमें सम्मान करना है, नमन करना है और पुष्पांजलि माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन करना है। उसी तारतम्य में आज पीसीसी कांग्रेस कार्यालय के समक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता यहां उपस्थित हुए हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लालघाटी पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। शिवराज ने बताया कि पंडित दीनदयाल एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता और आदर्श व्यक्तित्व वाले थे। उन्होंने पूरा जीवन भारत माता के चरणों में और जनता की सेवा में समर्पित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।